गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 5, दैट इज छोटूस हाउस। इन प्रीवियस वीडियो वी हैड कवर्ड सम टॉपिक्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोएम होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर, द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। यहाँ पर ये जो बच्चा है वो अपनी मदर से कहता है कि मदर, आप कहती हैं कि ये घर सिर्फ हमारा है, लेकिन मैं कैसे बिलीव करूँ, क्योंकि ये बिलोंग करता है और भी कई जनों से, ये घर सिर्फ हमारा नहीं है। लुक मदर, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टूगेदर, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। वो देखो मदर, ये जो चूहे हैं ये कैसे कैच कैच खेल रहे हैं। घर में चूहे एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं, और ये घर इनका भी तो हुआ, ये सिर्फ हमारा कैसे है। ये घर इन मॉस्किटोज का भी है, देखो ये मॉस्किटोज कैसे फ्लाई कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पाइडर जो है वो कैसे पीसफुली आराम से वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये घर हमारा कैसे हुआ, ये घर माइस मॉस्किटोस स्पाइडर इन सब का भी तो हुआ। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स ऑल मर्जिंग इन अ रो। वो देखो मदर, इस लेजी लिजर्ड को छिपकली कैसे धीरे धीरे क्रॉवल करती है, आगे पीछे जाती रहती है, और इन ब्लैक एंट्स को देखो, ये सभी कैसे एक ही रो में मार्चिंग कर रही हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वारल एंड शाउट। और मदर, आंगन में देखो ये बर्ड्स कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे मैं और मेरी सिस्टर जो हैं आपस में लड़ते हैं, चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइस मॉस्किटो स्पाइडर लिजर्ड एंट्स एंड बर्ड्स, ये घर जो है इन सब का भी तो हुआ, और आप कहती हैं कि ये घर हमारा है। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। इसीलिए मैं कहता हूँ मदर, ये मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है, ये घर हमें बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पर जो भी रहते हैं ये घर उनका भी उतना ही है, क्योंकि वो भी यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, तो ये घर सभी का है। नाउ डू यू नो रैट्स हैव पुअर आईसाइट्स बट हैव एक्सीलेंस सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। क्या आप जानते हैं कि रैट्स की पुअर आईसाइट होती है, उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट जो है उनका बहुत ही अच्छा होता है। नाउ ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको टू एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, अनइनवाइटेड एनिमल्स जो हमारे घर में बिन बुलाए रहते हैं, जैसे रैट लिजर्ड मॉस्किटो एंड एक्सेट्रा, इनके आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और उनके नेम लिखने हैं। ओके, नाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ, क्या आप अपने घर को क्लीन रखते हैं, कैसे। यस वी कीप आवर हाउस क्लीन बाय ब्रूमिंग मोपिंग एंड कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। नाउ हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन।
द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इन विच माई सिस्टर एंड आई हेल्प इज टेकन केयर ऑफ बाय माई मदर वी ऑल्सो थ्रो ऑल आवर गार्बेज डायरेक्टली इन टू द ट्रैश कैंस वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग आप मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं इन अवर टॉयलेट Where do you throw the garbage of your house? हम हमारे घर का garbage कहाँ फेंकते हैं We throw the garbage in a garbage bin and people from municipality come to take the garbage away. Is the area around your house clean? क्या आपके घर के आसपास का एरिया जो है वो क्लीन है Yes. The area around my house is clean. Do you use a toilet in or around your house? क्या आप अपने घर के आसपास का कोई टॉयलेट यूज़ करते हैं No. Who cleans अगर करते हैं तो कौन क्लीन करता है How do you help in keeping it clean? और आप उसे हेल्प कैसे करते हैं क्लीन करने में ओके Now. Use of toilet. Simmi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. Simmi ने notice किया कि उसका जो friend है Billu वो uncomfortable हो रहा था वो उससे बात भी नहीं कर रहा था Simmi, Billu, what happened? You look so dull. Simmi पूछती है कि Billu क्या हुआ तुम बहुत dull लग रहे हो बिल्लू आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्क्रॉल मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली बिल्लू कहता है मुझे नहीं पता है कि टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है हीरा मैम जो है वो फिर से राउंड पर आएगी और वो मुझे फिर से डांटेगी कि तुमने टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं किया तो सिमी कहती है तुम टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं करते सिमी व्हाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन बिल्लू आई एम स्केयर्ड दैट आई वुड फेल इन द टॉयलेट पिट तो बिल्लू कहता है मैं डरता हूँ कि कहीं मैं इस टॉयलेट पिट में गिर ना जाऊँ तो सिमी कहती है हाउ स्टूपिड एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट्स सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली डोंट बी स्केयर्ड बी रिस्पॉन्सिबल सिमी कहती है कि तुम कितने स्टूपिड हो अब मुझे पता चला है कि तुम और तुम्हारे जैसे जो फ्रेंड्स हैं वो ही टॉयलेट को डर्टी बनाते हैं तुम डरो मत थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल तो कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है आपको टॉयलेट को यूज़ करेंगे प्रॉपरली बैठ के उसके ऊपर और उसके बाद हमेशा फ्लश करेंगे अपने आप को प्रॉपरली वॉश करेंगे और अपने हैंड्स को भी प्रॉपरली वॉश करेंगे यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज़ वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली वॉश योर हैंड्स थ्रोली ओके नाउ लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ टॉयलेट को आप उतना ही क्लीन रखिए जितना आप चाहते हो कि वो आपको बाद में भी उतना क्लीन मिले नाउ डिड यू नो फॉर गांधी जीज 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड गांधी जी के 150th बर्थडे पर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनिनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये इसीलिए लॉन्च किया गया था कि क्लीनिनेस जो है साफ़ सफाई करना ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है नाउ डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल आपके स्कूल का टॉयलेट एरिया कैसा है इज़ इट क्लीन यस हु क्लीन्स इट एंड हाउ
कौन क्लीन करता है? मेड. हाउ डू यू हेल्प इन इट? आप कैसे हेल्प करेंगे उसको क्लीन करने में? बाय फ्लशिंग आफ्टर यूज़. फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली. ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश्ड हिज हैंड्स. Do you leave the toilet as clean as you want it for yourself? क्या आप टॉयलेट को साफ रखते हैं? Yes. And list the times when you wash hands. कितनी बार आप हैंड्स को धोते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे. When do you think your hands get dirty? कब कब आपके हैंड्स जो हैं वो डर्टी हो जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर प्लेइंग. किन किन एक्टिविटीज़ के बाद आपके हैंड्स जो हैं वो डर्टी हो जाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योरसेल्फ क्लीन. कैसे आप अपने आप को क्लीन रखेंगे? फर्स्ट बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ. क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली एंड देन combing hair properly, keeping our surrounding clean. What will happen if we do not do the above? अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? We will fall ill. Now look how beautifully Lata's house is decorated. Is there any special way in which you decorate your house? When and how? देखो लता ने अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट किया है. क्या कोई स्पेशल वे है जब आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं? कब और कैसे? Yes, we decorate our house beautifully on various festivals and when there is any special occasion in our family, we make rangolis in front of our house during festivals. We decorate the walls of our house and veranda with different types of lights and light lamps. Now ask your friends when and how they decorate their houses. आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि वो कब अपने घर को किन किन चीज़ों से डेकोरेट करते हैं. नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस. आप किन किन चीज़ों से अपने घरों को डेकोरेट करते हैं? लाइट्स, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, वेरियस लाइट्स, रंगोलीस, पेपर स्टार्स, स्टैचूस, कलरफुल हैंगिंग्स, कलर्स, कलरफुल स्टिकर्स. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ छोटूस हाउस. थैंक यू.